फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश है, मैं 20 साल का हूँ। हॉकी मेरा एक फेवरेट स्पोर्ट है। फ्रेंड्स बनाना काफ़ी मुझे बहुत बहुत पसंद है। बचपन से मैं थोड़ा मस्तीखोर भी था, देन बिना बताए मैं समुंदर में चले जाता था स्विमिंग करने के लिए। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी डिफेंस फोर्स में जाऊँ, सो मैंने नेवल ट्रेनिंग की 7 ईयर्स तक, और साइमल्टेनियसली मैं एक NGO के प्रोग्राम में जाता था, लीडरशिप प्रोग्राम में। जब मैं इस प्रोग्राम के लिए जाता था ट्रैवलिंग के वक्त, बस से ट्रैवल किया करता था, सो मैं देखता था कि विंडो से कि रोड पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनको काफ़ी अब्यूज़ किया जा रहा है लोगों ने। वो ऐसे कंडीशन में रहते थे जो अनहाइजीनिक है, उनको खाने के लिए ठीक से एक टाइम की रोटी नहीं है, सोने के लिए रात को उनके पास ठीक से बिस्तर नहीं है, देन एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके लाइफ में। सो ऐसी काफ़ी सारे इश्यूज़ मैंने देखे इन बच्चों के ज़िंदगी में, इन लोगों की ज़िंदगी में। वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि यार चलो, मतलब इसी इशू पे काम किया जाए। सो वहाँ से आशांश की शुरुआत हुई। बच्चों के लिए हमारे पास दो प्रोग्राम्स हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन देते हैं और दूसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में उनको स्कूल स्टडीज़ में सपोर्ट करते हैं, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में उनको बेसिक्स मैथ एंड इंग्लिश, वैल्यू सेशन, डिसीजन मेकिंग, करंट अफेयर्स, लाइफ स्किल्स, आउटिंग्स, फील्ड ट्रिप्स, आर्ट सेशन, ये सारी चीज़ें बच्चों को देते हैं। आशांश की शुरुआत जब हमने 2006 में की तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी, बच्चों को कैसे कन्विंस करना, स्पेस प्रॉब्लम, बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, ऑफिशियल टीम मीटिंग्स कहाँ पर कंडक्ट करें, देन वॉलंटियर्स कहाँ से आएंगे, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, और बहुत सारे लोगों को कैसे कन्विंस करना है कि हमें सपोर्ट करो इस कॉज के लिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इसमें, तो काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ते गए। सो पहले हमारे आशांश में यूथ वेंचर का पहला बड़ा सपोर्ट आया कि यू नो सीड फंडिंग ले लो, तुम शुरू करो। यूथ वेंचर में जाने के बाद मुझे सीड फंडिंग के अलावा और भी काफ़ी सारे सपोर्ट मिले, जैसे मार्केटिंग में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। पहले 2 साल में हमें काफ़ी सारी पब्लिसिटी मिली, जिस वजह से लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे कि आशांश में क्या हो रहा है, कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा काफ़ी सारे नेटवर्क्स भी मिले, काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स मिले, जिनके थ्रू हमने आइडियाज़ जनरेट करना शुरू किया। वहाँ से हमें वेंकटेश भैया का कॉन्टैक्ट मिला, जिनकी वजह से हम आज हमारा थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा है, उनकी वजह से हम बोर्ड में लोग हैं हमारे पास। देन श्रीला दीदी ने, जो हाईलाइट्स की ओनर है, उन्होंने हमें क्लासरूम स्पेस के लिए पैसे दिए, फंडिंग दी। एंड देन अगेन उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद हमारा ऑफिस फ्री होता है, संडेज़ को ऑफिस फ्री होता है, तो तुम हमारे ऑफिस में आकर ऑफिशियल काम कर सकते हो तुम्हारे। इसके अलावा काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है मेरे अंदर। जैसे पहले ये था कि मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना है, एक बड़े लेवल पर हम काम नहीं कर सकते, लेकिन यूथ वेंचर में वो प्रोसेस के थ्रू इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि आज हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन हम चला सकते हैं। बच्चों के लाइफ को देखने के बाद, या फिर इन जो लोग रोड पर रहते हैं उनकी लाइफ देखने के बाद, ऐसा लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम तो काफ़ी ठीक है, मतलब फिर भी इतनी नहीं है कि जितनी इन लोगों की, इन लोगों की तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो लोग इतना खुश है, जो है उनके पास उसमें खुश है। तो उनसे ये सीखने को मिला है कि मतलब जो है तुम्हारे पास उसी में खुश रहो। लोग कहते हैं कि ये सोशल कॉज है, बहुत बड़ा काम है यार, लेकिन कई बार हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम छोटे तरीके से भी अगर हम कहीं पर जाकर मदद करें, या फिर डोनेशन दें, या फिर अपना टाइम कहीं पर इन्वेस्ट करें, तो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। My venture is Ashansh and I am a change maker.